अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने के बाद अब भाजपा देश के राम भक्तों को भगवान श्री राम अयोध्या दर्शन कराएगी। इसके लिए भाजपा अब भगवान श्री राम के भक्तों के और श्रद्धालुओं के लिए अपने खर्चे पर उनके आने जाने और रहने खाने की व्यवस्था भी करने की तैयारी में जुटी है। इसी को लेकर आज झांसी के भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद भाजपा के लोगों द्वारा बताया गया कि किस तरह से अयोध्या में श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। आज हम लोग आप सब लोगों के बीच में जो अयोध्या हमारे राम भक्त झांसी से जा रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, उसके लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता यहाँ पर की। मैं आपको बता दूं, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इतनी जल्दी झांसी महानगर के राम भक्तों को अवसर मिल रहा है। इस एक ट्रेन के माध्यम से हम सब लोग जो है 1344 जो अभी रिजर्वेशन हुए हैं और भी बहुत सारे राम भक्त हमारे छूटे हुए हैं, प्रयास करेंगे आगे उन सबको भी ले जाने का प्रयास करेंगे। सुविधाएं के लिए तो हम सब लोगों ने यहाँ पर बहुत मंडल अध्यक्षों के माध्यम से हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन किए सभी लोगों के, और जैसे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में झांसी से राम भक्त जा रहे हैं तो सभी राम भक्तों के आई कार्ड बनाएंगे जिससे कि थोड़ी व्यवस्था बनी रहे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।